हफ्ते पहले ही नतीजे आए हैं, परसों ही सरकार बनी है, कल ही मंत्रालय बटे हैं और आज से ही सरकार के सारे मंत्रियों ने अपना काम संभाला है। 3 दिन से आप सत्ता पक्ष का उत्साह देख रहे हैं, आज हम आपको मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस का उत्साह दिखाएंगे। उत्साह की 2 वजह तो ये हो सकती है कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत से पीछे रह गई, दूसरी ये कि कांग्रेस को 10 साल बाद मुख्य विपक्ष का दर्जा मिलने वाला है। लेकिन उत्साह की तीसरी वजह यह है कि कांग्रेस अब मानने लगी है कि अगर वो यूपी में सिस्टमैटिक चले तो भविष्य में दिल्ली इम्पॉसिबल नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव नतीजों के बाद अपने वोटर्स को थैंक यू कहने के लिए आज रायबरेली पहुंचे। उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। ये धन्यवाद दौरा रायबरेली और अमेठी दोनों के लिए था। रायबरेली को थैंक यू इसलिए क्योंकि उसने राहुल को रिकॉर्ड वोटों से जिताया और अमेठी को थैंक यू इसलिए क्योंकि उसने भी गांधी परिवार की सीट इस बार कांग्रेस को लौटा दी। राहुल और प्रियंका गांधी की आभार सभा में जो साफ दिखा वो ये था कि कांग्रेस यूपी में अब ज्यादा एक्टिव रहेगी, समाजवादी पार्टी से गठबंधन आगे भी रखेगी और मोदी सरकार के खिलाफ जो रवैया उसका चुनाव प्रचार के दौरान था वो संसद में और आक्रामक होगा। देश की आत्मा को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की नींव है उससे वो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया है। अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, एमएलए, एमपी जो भी हैं अहंकार के शिकार नहीं होंगे। पहले नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मैं नहीं हूं, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं काम नहीं करता, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं मैं करता हूं। पता नहीं कैसे भगवान है उनके, 24 घंटा अदानी जी और अंबानी जी की मदद करवाते हैं। मगर आपने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने, ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। राहुल गांधी के चुनाव जीतने के बाद से सवाल उठ रहे थे कि वो रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे या वायनाड की। राहुल गांधी ने कहा था कि वो सोचकर और पार्टी से पूछकर जवाब देंगे। आज राहुल गांधी ने जिस तरह यूपी की अहमियत बताई और एक बार फिर अमेठी रायबरेली को अपना परिवार बताया, उसमें से यही जवाब निकल कर आ रहा है कि राहुल रायबरेली से नहीं जा रहे हैं।